ये शॉप अभी तक आपने बंद नहीं किया है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी शॉप्स देख के आ रहे हैं जो जिसमें सिर्फ पन्नी लगा हुआ है। हाँ, लॉक सिस्टम नहीं। यहाँ लॉक सिस्टम नहीं, रात को मतलब ऐसे ही अंदर कोई नहीं रहता और सामने से पर्दा लगा के जाते, कभी चोरी नहीं होती। अच्छा, इसलिए मुझे भी लगा आप इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं, कस्टमर्स वहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है कि कुछ होना नहीं है। आज मैं हूँ शनि भगवान के शहर में, शनि सिग्नापुर। रात के लगभग 11 बज चुके हैं और मैं हूँ यहाँ के बस स्टैंड पे। और बेसिकली लोग यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे दुकानों में, घरों में ताला नहीं लगाया जाता। तो मैंने बहुत सोचा, होटल में मैं रुका हूँ, बहुत सोचा कि इसको मैं सूट करूँ नहीं करूँ, बट रहा नहीं गया। और मैंने सोचा कि इसको सूट करके देखते हैं। तो मैं आपको इसका रियलिटी दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सच में लोग घर में, दुकान में ताला नहीं लगाते हैं, या ये कही कहाई सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैं कुछ शॉप्स में जा रहा हूँ, बस स्टैंड है, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं और पूरा सन्नाटा है। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे लाइन से शॉप्स बने हुए, बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ लाइन से शॉप्स बने हुए। यहाँ पे शॉप्स के बाहर में कुछ लड़के हैं, तो फाइनली हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे, उन लड़कों से बात करेंगे, अगर वो हमें शॉप्स दिखा पाए तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग जहाँ घूमते हैं ना, तो वहाँ का टूर एंड ट्रैवल्स का वीडियो डालते हैं, तो AKS ब्लॉग्स के नाम पे। तो शनि सिग्नापुर आए हैं घूमने के लिए और रात को रुके भी हैं, तो मैंने सोचा सच में ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मालूम चले कि ये जो कहावत है कि यहाँ पे लोग ताला नहीं लगाते, नहीं लगाते एकदम, और पर्दा लगा हुआ है, ये सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। और आप लोग रात को चले भी जाएंगे यहाँ से? चले जाते हैं, हम इधर नहीं सोते। मैंने अभी सामने भैया को बोला है थोड़ा सा लाइट जलाने के लिए, तो उन्होंने लाइट जलाया है, क्योंकि सारे दुकान में लाइट अंदर से बंद है। और मैंने इनको बोला है अंदर से लाइट जलाने के लिए। मैं आपको 2-4-5-10 दुकान लाइन से हैं, सब में ऑलमोस्ट ले जाऊँगा। अंधेरा है, उतना क्लियर नहीं आएगा, बट हो सकता है जितना दिखे आपको उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लोग यहाँ पे ताला लगाते हैं बेसिकली कि नहीं लगाते। ये पूरी दुकान खुली हुई है और मैं अंदर चला जाऊँ? ये पूरी दुकान खुली हुई है, यहाँ पे अंदर लाइट मैंने जलाने को बोला है, कोई भी शटर नहीं है यहाँ पे। नहीं ना, शटर शटर कभी नहीं लगा यहाँ पे। नहीं, खाली पर्दे लगाते, ये पर्दे लगाते हैं ताकि मेरे ख्याल से कोई जानवर ना घुस जाए। हाँ। जानवर घुस के ना बैठ जाए। आप देख सकते हैं मंदिर के जस्ट सामने बस स्टैंड के पास ये शॉप है, और ऐसी मतलब यहाँ पे 20-25-30-50 शॉप्स होंगे। हाँ। जो सिर्फ पर्दा लगाते हैं, सिर्फ पर्दा लगाते हैं। और घर में भी लोग ताला नहीं लगाते? घर को भी नहीं, बैंक सब ओपन रहता, स्लाइडिंग वाला रहता। अच्छा, बैंक भी ओपन रहता है? बहुत ही अजीब बात है, बैंक में भी ताला नहीं लगता, सिर्फ शटर सटा दिया जाता है। हाँ, स्लाइडिंग वाला, स्लाइडिंग सटा दिया जाता है, कोई अंदर ना जाए, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली ना जाए। कर दो बंद। हाँ जी, बंद कर दीजिए आप इसको। आप देख सकते हैं ये भी खुला हुआ है, सिर्फ पर्दे लगे हैं। नहीं नहीं चलेगा, अंधेरे में दिखा, तुमको लाइट लगा, जाओ ना अंदर। ये भी दुकान खुला हुआ है, भैया ने मुझे इजाजत दी है कि आप अंदर आके देख सकते हैं। ये भी दुकान खुला हुआ है और पर्दा इसी तरह लगा है। अभी कुछ लोग है यहाँ पे, बट ये एक साइड का जो शॉप है, 2-3 शॉप के बाहर लोग खड़े हैं, और जो आगे का शॉप है वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे बेसिकली लोग जा चुके हैं, घर जा चुके हैं, घर चुके हैं। अभी 11 बजे। हाँ, फिर कब आते हैं मॉर्निंग? बंद होता है 6 बजे से शुरू होता है। अच्छा,
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मतलब क्यों ऐसा, मतलब मान्यता है, कुछ बता सकते हैं? नहीं ऐसा, मतलब लोग बंद क्यों नहीं करते हैं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, मतलब आप बहुत निश्चिंत, ताला नहीं लगता है यहाँ पे, ताला होता ही नहीं है, तो यहाँ पे बैंक को भी दरवाजा नहीं है, घर को दरवाजा नहीं है, मंदिर को, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम को दरवाजा नहीं है, यहाँ पे चोरी हुई नहीं है अभी, ऐसा बात आज तक चोरी नहीं हुई है, अभी तक हुई नहीं है। और जो सिनेमा अपनी कथा है उसमें हमने सुना, अभी हमको 10-12 साल हो गए जी, तो अभी तक तो यहाँ पे चोरी हमारे दुकान में भी कभी हुई नहीं, सीसीटीवी लगाने की जरूरत भी पड़ती नहीं, ऐसे बड़े छोटे लोग तो कोई लेते ना, कोई भी लेता नहीं, बच्चे होते तो जानबूझ के लेके जाएंगे, तो उनके मम्मी पापा देखने के बाद तो तुरंत वापस लेकर आते, आप वापस लेके आए, चोरी का कोई दिक्कत नहीं, इधर वन टाइम 50 कस्टमर अंदर आते तो भी एक आदमी दुकान संभालता है पूरा, एक दुकान एक आदमी संभालता है, एक दुकान, क्योंकि मॉर्निंग में मैं भी कुछ सामान लेने गया था पूजा के लिए, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही आदमी था, नाइट का टाइम, सोने का टाइम होता है ना, नहीं तो दिन भर एकदम फ्रेश है, 7 घंटे पे लग जाते सब लोग, अभी अभी नाइट का 11 बज गए, सब दुकान बंद कर दिया, बाकी लोग गए घर पे, 6 बजे आएंगे सुबह, सुबह 6 बजे आएंगे, दुकान 6 बजे खुल जाएगा, सुबह 6 बजे, और हम अभी कैसे इधर, मतलब दुकान लगने का टाइम है, तो हम अभी इधर अभी सोने का, मतलब थोड़ी देर में, अभी नहीं, तो आप लोग यहीं सोते हो या फिर घर जाके सोते हो? नहीं हम तो इधर ही रहे थे ना, मतलब हम घर ही रहे थे, आप यहीं पे रहते हो? हाँ यहीं पे रहते हो, घर जाने के लिए थोड़ा मतलब जरूरत नहीं ऐसी। अच्छा, तो घर आपका मतलब इसी गांव में है या फिर दूसरे गांव में? यही गांव रहता है, यही गांव है, ये गांव से थोड़ा। अच्छा, मतलब फिर अगर घर भी जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को रखने की जरूरत नहीं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ एक चीज तो है, मॉर्निंग में जब हम आए यहाँ पे, इवनिंग में जब हम आए और यहाँ पे जैसे ही कार एंटर किया, कार पार्क किया, तो बेसिकली ये देखने को मिला कि हम लोग 2-3 जगह से अभी घूमते हुए आ रहे हैं, और कल का भी वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही हम किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ बाहर बहुत सारे लोग, एजेंट्स लोग मिसगाइड करते हैं, बट यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला कि किसी ने मिसगाइड किया, यहाँ पे लोगों ने मुझे हेल्प किया, कि भैया ये, क्योंकि यहाँ से एलोरा हमें जाना था, एलोरा की गुफाएं देखने, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे खाना भी 20 रुपीज़ में मिल जाएगा और रहना भी बहुत ईजी हो जाएगा, ये बेसिकली लोग बताते नहीं हैं, लोग क्या करते हैं कि भैया आपको यहाँ अच्छा होटल दिला देते हैं, आप चलिए हमारे साथ, ये बेसिकली चलता है, बट यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं दिखी मुझे, और भी शॉप्स हैं बाहर, मैं आपको रेंडमली दिखाता हूँ, अंदर जाके तो नहीं दिखाऊंगा, बट पर्दे इसी तरह लगे हुए, इसमें किसी भी तरह का शटर नहीं है, और घर तो जा नहीं पाएंगे किसी का, क्योंकि ये हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे होटल पास में है, और ये दुकान ही है, दुकान ही बहुत बड़ा प्रूफ है कि लंबे लाइन तक दुकान है, पर्दे लगे इसलिए वो दिख नहीं रहे, ऐसे सुबह खुल जाएगी पूरी दुकान। हाँ सुबह तो खुल जाएगी, सुबह वीडियो ठीक अच्छा आएगा, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली बाकी सब दुकान में जिस तरह इसमें पर्दे लगे हैं उसी तरह दूसरे में लगे हैं कि नहीं। ये इसी तरह है, किसी किसी में रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी वो भी सपोर्ट के लिए बंधा हुआ होगा, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पे यू कैन गो इनसाइड फ्रॉम द शॉप, ये मतलब अद्भुत नज़ारा है, यहाँ पे कोई अंदर नहीं जाता, किसी भी तरह का ताला नहीं है, ताला यहाँ पे बिकता ही नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम वो भी है कि यहाँ की दुकानों में ताला आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको और भी शॉप्स दिखाता हूँ, कुछ शॉप्स खुली भी है और बहुत सारी शॉप्स बंद है, आइए और बाकी के शॉप्स को हम देखते हैं। येलो कलर की पन्नी है, ये ब्लैक कलर की पन्नी, ये दो डिफरेंट शॉप्स है, और इन भाई साहब ने तो अच्छे से लगाया भी नहीं है, कि आप ऊपर से देख सकते हैं, ये इट्स अ लिटिल विजिबल, यहाँ पे आपको कुछ सामान दिख रहे होंगे, आगे कुछ और शॉप्स है, ये भक्त निवास नंबर 2 गेट है, और ये बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से होटल है, हम लोग इसके जस्ट पीछे वाले होटल नंबर 5 पे ठहरे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी शॉप से, सामने एक शॉप है जो खुला हुआ है, एक खाने का शॉप है, होटल सनीराज, ये तो मेरे ख्याल से 24 घंटा खुला रहेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है, बट आप देख सकते हैं ये अगेन, ये
दुकानें हैं उसी तरह से पन्नी लगा हुआ है, दुकान अभी तक बंद नहीं हुई है, ये दुकान अभी तक खुली है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा यहाँ के ऑनर से। यहाँ के ऑनर कौन है? आप ही हो? नहीं हो? किसकी दुकान है ये? अच्छा, क्या कैमरा? हाँ कैमरा। किसकी दुकान है भैया की अंदर जो बैठे हैं? भैया ये आपकी दुकान है? मैं आपको दिखा दूँ, ये भैया बहुत इत्मीनान से बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर है, 1 2 3 4 5 आप सब कस्टमर हो? बहुत सारे 2 4 2 6 कस्टमर हैं और भैया मोबाइल में लगे हैं, कुछ बातें करते हैं इनसे। भैया हमारे एक YouTube चैनल है AKS Blogs के नाम, तो हम यहाँ एक्चुअली दर्शन करने आए थे सनी सिग्नापुर और रात को बाय चांस रुके भी। ये शॉप अभी तक आपने बंद नहीं किया है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारी शॉप्स देख के आ रहे हैं जो जिसमें सिर्फ पन्नी लगा हुआ है। हाँ, लॉक सिस्टम नहीं, यहाँ लॉक सिस्टम नहीं, रात को मतलब ऐसे ही अंदर कोई नहीं रहता और सामने से पर्दा लगा के जाता, कभी चोरी नहीं होती? चोरी नहीं। अच्छा, इसलिए मुझे भी लगा आप इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं, कस्टमर्स वहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है कि कुछ होना नहीं है? होता ही नहीं, कभी नहीं होता, कभी ऐसा सुनने को नहीं आया। ग्रेट, तो अभी आप दुकान कब बंद करेंगे? सारा चालू रहता है, आपका 24 घंटा खुला रहता, बाकी का बंद हो जाता है रात को, आपका चालू रहता है। अच्छा, तो भैया का ये दुकान 24 आवर वाला है इसलिए इनका दुकान खुला है, अगर इनका दुकान भी बंद होने वाली रहती तो अभी तक बंद हो जाता मेरे ख्याल से। हाँ। ओके, हम मान सकते हैं लोग घर में ताला ना लगाए क्योंकि लोग घर में रहते हैं और वहाँ पे ताला नहीं लगाते हैं तो समझ में आता है अंदर आदमी रह रहा है, बट अगर दुकान और इस छोटी सी सनी प्रसाद पान एंड जनरल स्टोर्स की बात करें तो अंदर तो कोई नहीं होगा क्योंकि ये छोटा सा स्टोर है, अंदर में कोई सोएगा तो घुटन से मर जाएगा, और इसमें भी सिर्फ नट लगाए क्योंकि उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है और नट में ताला नहीं लगाया, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको आराम से हाथ से खोला जा सकता है, इवन मैं भी खोल सकता था उसको, वो काफ़ी ढीला था बट मैंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि यहाँ पे दूसरे के शॉप्स को खोलने का मेरा तो कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बेसिकली सच क्या है। तो दोस्तों ये है बेसिकली सनी सिग्नापुर गांव का सच, भगवान शनिदेव खुद गांव की रक्षा करते हैं ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों का कहना है, और कहना ही नहीं संपूर्ण विश्वास है, इसीलिए आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं वो आपको आज देखने को मिला है। तो सनी सिग्नापुर से इस टॉपिक पे बस इतना ही, आपको अपडेट मैं देता रहूँगा, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल का आइकॉन दबाना भूल गए तो कृपया करके उसको दबा दें क्योंकि इस तरह का जो भी हम वीडियोस डालेंगे वह आप बहुत आसानी से देख सकते हैं क्योंकि आपके फ्रंट पेज में स्क्रॉल कर जब आप करोगे तो फ्रंट पेज में ऑलमोस्ट दिखेगा। तो दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।